नमस्कार स्टूडेंट, स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझें। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अनेकों बार आते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हूज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप यहाँ पे लिख दें, लेट रेडियस बी इज इक्वल टू आर। आप यहाँ पे नोट करें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना जाएगा, 4πr² 4πr² की जो वैल्यू है वह 154 cm² दी हुई है। आप 4π की वैल्यू 22/7r² इज इक्वल टू 154 cm². आर स्क्वायर आप यहाँ पर लीव करें, 154 × 7/4 × 22, ठीक। 22 यहाँ पर यह जाएगा 7। अब r इज इक्वल टू जानने के लिए 7 × 7/2 × 2, यहाँ पर 7/2 जाएगा और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट। आप आंसर में लिखें रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3.5 cm। आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, 4πr² होता है, 4πr² रखिए। r के लिए आप r² छोड़ें, बाकी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, आपको रेडियस ऑफ द स्फीयर मिल जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन से पहले के इस चैप्टर और 6 चैप्टर से पहले के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट देखना हो, यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप उन चैप्टर्स की भी स्टडी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स टू वॉचिंग।